अबे सांप पकड़ रखा है। तो कैसे हो आप लोग को फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे और नए ब्लॉग पे। हाँ तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम निकलने वाले हैं नई ट्रिप पे जो अराउंड होगी 250 किलोमीटर। वो मैं आपको रास्ते में बता दूँगा कि हम जा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ मेरी आवाज़ ऐसे क्यों हो रही है, क्योंकि मेरी एक हफ्ते से तबीयत ख़राब है, इसलिए गला थोड़ा बैठा हुआ है, जुकाम और खांसी है, इसलिए थोड़ी अभी एनर्जी लेवल डाउन है मेरी। देखते हैं बाइक कैसे चलती है। हाँ तो निकलने से पहले मैं ये विंडशील्ड टाइट कर दूँ, क्योंकि ये हो चुकी है पूरी ढीली, ऐसे बैंड हुई जा रही है स्पीड में। तो अब इसको करते हैं यहाँ से टाइट। हाँ तो भाई मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए, जैकेट वगैरह पहन लिए मैंने। अब फटाफट से कैमरा लगाते हैं हेलमेट में, फिर फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि उसने मेरे को टाइम दिया था 7 बजे का और अभी बज रहे 6:30। मेरे को अमन से काम है, अमन से कुछ सामान लेके फिर मैं जाऊंगा मानस के घर, फिर वहां से हम निकलेंगे। अब मैं ये बताता हूँ कि मेरे साथ कौन कौन चल रहा है, बल्कि हम कौन कौन जा रहे हैं। एक तो मानस जा रहा है और मानस के पापा जा रहे हैं, ठीक है। टोटल 3 बाइकें जा रही है, एक तो निंजा और एक पल्सर 180 और एक मेरी NS। वैसे आगरा में कुछ ज़्यादा घूमने की जगह है नहीं, सिर्फ एक ताजमहल के अलावा, तो हम सिर्फ राइड करने जा रहे हैं वहाँ तक। वहाँ पे कुछ काम भी हो सकता है। सो वी आर रेडी टू लीव। हाँ तो अभी 8 बजने वाले और हम निकल चुके हैं वर्ड्स वृंदावन के लिए। हमारे प्लान में थोड़ा चेंज आ गया, हम सबसे पहले जाने वाले थे वृंदावन, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम के फिर निकलेंगे हम आगरा की तरफ, अगर टाइम बचा तो। और जितना हो सके हम एक दिन में वापस जाके आने की कोशिश करेंगे पूरी, क्योंकि और भी काम है घर में, इसलिए हम एक दिन में वापस आ जाएंगे। ज़्यादा मतलब कि जब आगरा में ज़्यादा जगह तो है नहीं घूमने के लिए, बस एक ताजमहल है वो मेन है और बाकी कुछ तो है नहीं, बस वही देख कर आना है। और आगरा का ट्रैफिक तो पता ही है। और हमारे साथ जो 3 बाइकें चल रही थी उसमें से सिर्फ 2 ही चल रही है, क्योंकि मानस की बाइक का जो है ना जो पल्सर 180 है ना, उसका ना इंश्योरेंस हो रखा ना ही पॉल्यूशन हो रखा है, इसलिए हम मानस मेरे साथ चल रहा है और अंकल चलाएंगे बाइक निंजा। हाँ तो हम ट्रांसपोर्ट नगर होते निकलेंगे, क्योंकि उस मतलब कि जो टनल है वहाँ से बाइक अलाउड नहीं है, तो हमें घूम के जाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से पास भी पड़ेगा हाईवे, और मैं काफ़ी दिनों बाद लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हम ट्रिप पे जाने का था ऋषिकेश मसूरी और देहरादून, बट वो कैसे कैसे करके कैंसिल हो गया। फिर भैया और उनके फ्रेंड ही गए थे, अमन भैया और उनके फ्रेंड। तो इस बार का देखते हैं, नवंबर में देखेंगे, नवंबर दिसंबर में कहीं अच्छा प्लान बनाएंगे जगह का। हाँ तो हम आगरा हाईवे पर आ चुके हैं, अब फटाफट से पहुँचे वृंदावन। फटाफट नहीं, मैक्सिमम 80-90 की स्पीड रखेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पेट्रोल खाएगी गाड़ी और फिर मज़ा भी नहीं आएगा। अगर 80-90 की स्पीड चलेंगे ना तो मज़ा ही अलग आएगा और थकेंगे भी नहीं ज़्यादा और गाड़ी भी सही रहेगी। अगर हम ओवर स्पीड करेंगे तो गाड़ी में बहुत इफेक्ट पड़ता है और माइब्रेस से पूछो ही मत, कितना गंदा जाता है।
सो हमने अभी 100 किलोमीटर डन कर चुके हैं और ये हमारा फर्स्ट ब्रेक है। अब ये नहीं पता ये जगह कौन सी है, बीच में है, भरतपुर से थोड़े से पहले है, हम भरतपुर से थोड़े से पहले हैं। अब कितना बच गया, 140 किलोमीटर कम से कम बच चुका है आगरा। और ये भी हमारी बाइक मिलते हैं रोड पे। तो हमारी चाय आ चुकी है और मैं इसको तो जानते ही होंगे, मोस्ट वांटेड मुंडा। चाय और हमारा नाश्ता आ चुका है। सो तो हम वृंदावन पहुंच चुके हैं, हम देख जाना है हमको पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहले कि पार्किंग कहाँ है। हाँ तो अभी हमें यमुना नदी में यहाँ पे बोटिंग चल रही है और यहाँ पे लेटा हुआ है और इधर भैया चक्कू चला रहे हैं। चक्कू होता है किस पे? बोट का चक्कू। तो हम अभी है वृंदावन में, प्लान में थोड़ा चेंज आ गया। क्या चेंज आया बताना जरा। ताजमहल अब हम चल रहे हैं आगरा, क्योंकि यहाँ पे मंदिर खुलने वाला है 5 बजे और हम यहाँ पे 5 बजे यहाँ पे विजिट करके फिर आगरा विजिट करेंगे तो लेट हो जाएगा। इसलिए हमने वृंदावन जब आए बोटिंग कर ली, सोचा कि टाइम पास हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं। तो अब आगरा चल के ही बात करते हैं। हाँ तो हम निकल चुके हैं आगरा के लिए। वृंदावन में मरने के दर्शन तो हो नहीं पाए क्योंकि टाइम लगता 4-5 बजे खुलता और अब हमको लेट भी हो रहा है, हमको निकलना भी था। तो अब हम जा रहे हैं आगरा, यहाँ से करीबन 74 किलोमीटर पड़ता है। सो गाइस वी एंटर इन द आगरा। कितना खास नहीं है वैसे। अब यहाँ से ताजमहल कम से कम 10 किलोमीटर का बचा है। अब देख देख कितना टाइम लगता है क्योंकि इधर आगरा भीड़ बहुत होती है। आई होप हमको अभी जाम ना ही मिले तो बेटर है। हाँ तो आपको मेरे लेफ्ट में दिख रहा होगा ये आगरा का फोर्ट है, मैं उसका नाम नहीं जानता, तो इतने अच्छे से बता दिए, बट ये यहाँ का फोर्ट है और हम बहुत करीब है ताजमहल के। तो यहाँ पे एंट्री से पहले बैग जमा कराना पड़ता है, यहाँ पे लिखा है। और दूंगा इस क्या क्या अलाउड है यहाँ पे? कैमरा, फोन, पैसे, बस। और आप खुद? और आप खुद? और आप खुद, बाकी कुछ नहीं। हमें टिकट लिए तो ही। हाँ, और कपड़े भी, कपड़े अलाउड है, कपड़े बहुत महंगे वाला था भी नहीं। तो हमने सारा सामान जमा करा दिया, सब कुछ डाल दिया, सब कुछ
फेंक डाला इसको, भी इसको भी डालने की सोचता था मैं। चल मैं उल्टा मारा तो तो टोटल चार्ज 60 रुपए लगे इसमें। दो बैग एक जैकेट और एक ट्राइपॉड। ट्राइपॉड भी अलाउड नहीं है वरना मैं अच्छे अच्छे शॉट्स लेता। चल झूठा सही में लेता मैं तो। अभी अंदर चलते हैं। अरे कहाँ गया यार वो, छोड़ के भाग गया। सामने ही है, सामने से निकल सारे दो दो तो सफेद बिल्ली और ये हमें गोली दे के भाग गया। पांच सौ तक इसके पापा को किडनैप करके ले गया। पता लगा कोई क्या हो रहा है, पापा उसकी गाड़ी लगा लेके आ रहे हैं। ले जल्दी बैठ चल। हाँ तो हम पहुँच चुके हैं और मेरे जस्ट पीछे है ताजमहल। अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि एंट्री बंद हो चुकी है। टाइम हो गया, टाइम कितना हो रहा है, 5 बजने वाले और ये पहले यहाँ से खाली करे जा रहे हैं। और ये सबसे पुराना मार्बल है भाई साहब, मस्त है। छूने का मन तो पर जोर आ रहा है। छू के छूने का मन तो है पर इतना हम दूर से देखे तो बहुत छोटा लग रहा था लेकिन पास आया ना भाई। अरे ऊपर देना पड़ रहा है, कहाँ है अब तो। अब और कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा यार। तो यहाँ से ट्रैफिक क्या है देखो, कौन कहाँ से गुजरा पता नहीं। हमारे उसके पापा इसी टाइप ट्रैफिक लगा है बीच में। पूरा ट्रैफिक गलत ही है। जयपुर में भी इधर से निकलेगा अंकल। राइट 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 घूमना आगे से। अंकल उतर के जा, बोल के जल्दी जा, जा बोल कर। अबे यार इसको कर लेता फिरूं मैं। हाँ तो हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। अब टाइम बज रहे हैं अभी कम से कम 7 बज रहे होंगे। अभी हमको पहुँचने में 12 बज जाएंगे। अब जितना हो सकता है जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। हाँ तो इसी नोट पे करता हूँ वीडियो क्लोज। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो पे। अब मेरी वीडियो जल्दी आई करेगी, मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके क्योंकि ये बहुत लेट आई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट कर देना और जितना हो सकता शेयर करना। ओके बाय।